तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। थोड़ा इंटरेस्टेड लगा ना आपको, मेरे मतलब खुशी है क्योंकि आज थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा है आरती मन्नो को देखकर, क्योंकि हमारी आरती ने आज भाई ख्वाहिश की है लिट्टी चोखा खाने की। तो मन्नू भैया थोड़े से भाई कह देते हैं कि भाई लिट्टी चोखा दुनिया खाती है, तुम क्या खाओगे और तुम इतने लिट्टी चोखा क्यों पसंद है। तो थोड़ा सा क्लिप देखने के बाद फिर बताऊंगी लिट्टी चोखा की पूरी कहानी कि क्यों खाया और क्यों पसंद है हमारी आरती को। देखते वीडियो कैसे बोलती है। देखिए इधर बच्चे सब बोलते हैं कि हमको नहीं देते, कौन सा लिट्टी चाहिए, तो लिट्टी मांग रहा है ना भगनी। और मम्मी क्या चाहिए। तो गाइस वीडियो आपने देख ही लिया, तो हमारी आरती की आज इतने मन चल रहा था लिट्टी चोखा खाने के लिए, पर आप लोग कुछ गलत मत समझना। समझना, मन का मतलब ये होता है कभी भी इंसान कोई चीज़ खा सकता है जो उसको अच्छी लगती है। आपको भी कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको फेवरेट होगी, मुझे भी कोई कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी लगती हैं, पर लिट्टी चोखा ना खाने का मज़ा ही कुछ और है। और ज़्यादातर ये बिहार में मिलती है, आपको पता है ये बहुत मतलब गोरखपुर और बिहार वगैरह में मिलती है। जो हमारी आरती बहुत अच्छे से खाती है, वो अपने पहले घर थी तब भी वो लिट्टी चोखा बहुत अच्छे से खाती थी। तो मन्नू भैया से पहली बार उसने ख्वाहिश करी है, तो मन्नू भैया उसकी ख्वाहिश को पूरी तरह से पूरा कर देते। तो हमारी आरती की खुशी देख ही सकते हो, लिट्टी चोखा की खुशी दिखाऊं आपको, उसकी खुशी सच में दुगनी हो गई। और किस तरीके से हुई ये भी मैं आपको दिखा देती हूं यहां पे। देखिए छोले तो गाइस पन्नी खोलने में आरती को कितनी खुशी हो रही है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये दोनों ना यार कितने क्यूट कपल है ना सच में। और पता है इससे क्या होता है, और आरती को सास को भी अच्छा लगा कि आरती अब मतलब कि खुद से कहती है कुछ खाने के लिए, खुद से बोलती है कि मुझे ये खाना है मुझे वो खाना है। तो इससे कह सकते हैं दोस्तों अब वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब उसके माइंड पे इतना प्रेशर नहीं है जितना पहले था, क्योंकि पहले वो ठीक से खुश नहीं रह पा रही थी, पर अब से रह लेती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे कह सकते हैं कि अब हमारी आरती अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही है। तो आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, देखो जीते सभी लोग हैं, अगर कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो बस उसके लिए रोया जा सकता है। देखो मन में दिल में जो रहता है वो दिल में ही रह जाता है, और आरती के दिल में छोटू के लिए देखो सब प्यार भी है बहुत ज़्यादा है, उसको याद आती है, पर अपनी खुशी भी तो इंसान देखेगा ना, खुश नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा बताओ। अब आगे ज़िंदगी बढ़ानी है भाई, मन्नू भैया के साथ ज़िंदगी आगे जीनी है। तो इस तरीके से आप लोग भी कमेंट करें हमारी आरती को कि भाई आज तो बहुत अच्छा लग रहा है लिट्टी चोखा खा के आरती को, और इतनी खुश क्यूट कपल हो आप दोनों, तो प्लीज़ उनको दोनों को आज कमेंट करना, नाइस क्यूट कपल कमेंट करना, ठीक है। ये मैं फिर बोल देती हूँ आपको, ठीक है। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा लिट्टी चोखा का, तो भाई जिस जिसके मुँह में पानी आ रहा हो ना तो कमेंट में बताना किस किस के मुँह में और किस किस को लिट्टी चोखा खाना पसंद है, और मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप लोग ये भी बताना। तो मैं ये जरूर पूछूंगी कि आपके यहाँ की लिट्टी कैसी बिकती है भाई और कितने रुपए की मिलती है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसी नोक झोंक वाली वीडियो मैं लाती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बाय बाय, ख्याल रखें अपनी और अपनी फैमिली का।